न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राच। तो आइए एक नजर डालते हैं कामठी से आई हुई खास खबर की ओर। दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। पैसों की किल्लत से परेशान महिलाएं अब सड़क पर उतरने का प्रयास कर रही है। जैसे कि 20% से ब्याज लेती हुई महिलाएं जो गट नहीं भर पा रही है, अब लोग उन्हें इस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए और हमें हमारी किस्त दीजिए। तो आइए जानते हैं यहाँ की महिलाओं से कि किस प्रकार उन्हें पीड़ित किया जा रहा है और किस प्रकार धमकियाँ दी जा रही है, को और आपके फैमिली को पीड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से धमकियाँ दी जा रही है। सब लोग बोलते हैं कि सब लेडीज मिलके लेडीज को बाहर निकालो और मारो। लेडीज पर हाथों थाने पे तुल चुके हैं। हाँ, जैसे मुझे लेडीज मिलके जिन्होंने घर किए तो वो लोग बोलते हैं कि तुम सब लेडीज मिलके वो भाई को मारो जिसने पैसे नहीं भरे, और इस धाक से वो घर छोड़ के बाहर चले। कौन घर छोड़ के भाग गया है? लड़का और बहू। आपकी बहू को इस प्रकार से टॉर्चर किया गया कि वो घर छोड़ के भाग गया? सर लोग उनको भड़काते हैं, दूसरे जैसे पूर्ण गट में भाई रही थी ना उनको भड़काते हैं। मैं भी ये गट के कारण पूरा कर्जे में आ गई थी और मैंने भी 20% से पैसा वगैरह उठाई मैंने भी, तो मुझे पिछले साल इतना टॉर्चर हुआ कि उस टॉर्चर की वजह से मैंने सुसाइड कर ली थी, मैंने यानी फिनल पी ली थी मैंने। वो 20% में जो इतना हैरेसमेंट कर रहे थे और गट वालों का प्रेशर था और पैसे वालों का प्रेशर था, इसलिए मैंने आत्महत्या ये करी थी। अभी फिलहाल मैं भर नहीं रही लोन, लेकिन सर लोग इतने इसमें बोलते हैं आप कुछ भी करो कहीं से भी लाओ। यहाँ तक कि मैंने अपने दो दो तीन तीन मोबाइल भी मेरे वाले गए हैं और ब्याज से मेरा सोना भी पूरा गिर भी है, और मैंने अवैध साहूकार जो 20% है एक एक दिन का भी मैंने 20% का पैसा ली हूँ ये गट भरने के चक्कर में, और ये पूरा गट भरने के चक्कर में ये सब हम पूरी पीड़ित भाई लोग जो है पूरी कर्जे में, बस ये माइक्रो फाइनेंस की वजह से ज़्यादा, और इसका फायदा अवैध साहूकार लोग है जो 20% से पैसा देते उन लोगों ने और फायदा उठा है। जैसे अभी 8 किस्त है हमारी, तो यानी उनको पता है कि इन लोगों को अभी पैसे की ज़रूरत है। 20% का पैसा बोलते हैं एक दिन के लिए, यानी लोगे तो देते बोलते हैं, नहीं तो नहीं देते बोलते। तो अभी मजबूर रहती तो हम लोग लेते हैं पैसे, जैसे 5,000 उठाए तो कल हमको 6,000 रुपये देना पड़ता है। ऐसे ऐसे अवैध साहूकारों ने पैसा वसूली की है हम लोगों से, अभी हम लोग बहुत त्रस्त हो गए, इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाए हैं। यानी माइक्रो फाइनेंस का लोन हमको यानी भरना है, पर हमको सहूलत चाहिए क्योंकि हमारी ये कंडीशन है नहीं कि हम लोग कहीं से पैसा लाएंगे ब्याज से, नहीं तो फिर वो आत्महत्या करने के अलावा, परिवार को आत्महत्या करने के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। कामठी शहर व ग्रामीण भागों में लगभग 15,000 महिलाएं व उनका परिवार माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा बैंक लोन देकर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से फर्जी कागज पत्र पे लोन देकर महिलाओं को कर्ज से दलदल में फंसाया गया है। फिर इन्हीं माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मैनेजर से मिलकर अवैध साहूकारों से हफ्ते के 20% ब्याज से पैसे दिलवाए गए और इसी प्रकार लगभग 90 अन्ना गिरोही के द्वारा भी 20% ब्याज महीने पर कर्ज बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के बांटा गया। माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी वो मैनेजर महिला से पैसे वसूलने के लिए सुबह 8 से रात के 2 बजे तक उनके घरों में आते हैं। एक साथ 8-8, 10-10 लोग कर्मचारी और वसूल के लिए आते हैं। वो कर्मचारी को उनके परिवार व रिश्तेदारों के सामने अपमानित किया जाता है। तो आइए बात करते हैं पीड़ित महिलाओं से कि किस तरह से उन्हें अपमानित किया जाता है। सर आले होते, त्यांनी मला म्हटलं की मोबाईल वगैरे गिरवी ठेवा म्हणून, तर माझ्या हस्बंडनी मोबाईल फोडून टाकला। मग त्यांनी विचार असा केला की आता मी काहीच नाही करू शकत, आता मी आत्महत्या करतो म्हणून। पण मी त्यांना समजवलं की असं नको करा, आपल्या घरी 2-2 पोरं आहेत। तर ते मागे हटले, मग तरी आमचे जेव्हा पैसे नव्हते तरी आम्ही आजूबाजूला मागून ते 900 रुपये आणून दिले। आम्ही असं नाही की किस्त नाही भरत म्हणून, किस्त भरतो, पण त्या दिवशी आमच्यापाशी पैसे नव्हते तर आम्ही ना वेळ मागितला, पण त्यांनी वेळ नाही दिला। आणि 4-5 लोक आमच्या घरी आले ना, तमाशा केला आमच्या घरी येऊन, असं आम्ही इकडून तिकडून पैसे घेतो व्याजानं वगैरे, तर आमच्या नाही होऊन राहिलं असं। त्या दिवशी सर आले होते, त्यांनी किस्त द्या असं म्हणाले। मी म्हटलं की आता माझ्याकडे आहे नाही, प्रतिनिधीला मी फोन केला, सर म्हणे की त्यांना उचलून तुम्ही लोन घेतला का? मी म्हटलं हो, त्यांना उचलूनच मी लोन घेतला। लावा म्हणे कोणाला फोन लावता, तर मी म्हटलं ठीक आहे मी लावते फोन। आणि मग माझे दोघे मुलं घरी होते,
दोघे मुलं निघाले बाहेर, तू आपल्या जेबामधून पैसे दिले का असे तसे बोलले आणि तो उठून पडाला. पुन्हा आज सकाळी आला होता. माझी सून म्हणत होती की माझी सासू यायची आहे कामावरून, ते आल्यानंतर काय आहे ते तुम्ही बोला. तर मी म्हटलं ठीक आहे, दुबारा सर येतील तर मी त्यांच्याशी बोलून टाकेन की काय बोलायचं ते मला नंतर मला बोलता येईल. मी राजेश्वरी कुशाल वानखेडे, माझ्या हस्बंडनं 3 वेळा आत्महत्या करण्याची कोशिश केली आहे आणि मी गटापाई परेशान झाली. तुम्ही माझ्या मम्मीच्या घरी जाऊ जाऊ लपतो, काऊन की हे सर खूप परेशान करतात. स्पंदनावाले की खूपच परेशान करून राहिले ना. एकविटासवाले ते बाया जो येतात ते येऊ येऊ घरी 10-12 बाया घेऊन येते अशी आणि मला पैशांसाठी फोर्स करतात. नसले बी तरी तुम्ही असं काय काय बोलू बोलू परेशान करतो. याच्यामुळे माझे हस्बंड बाहेर चालले कामासाठी की इंस्टॉलमेंट भरायची आहे बा कसं का करू म्हणून सध्या ते बाहेर कमाई करायला चालले. उप जिल्हा प्रमुख राजन सिंग से तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार महिलाओं को इस जिस तरीके से हेरासमेंट किया जा रहा है इंटरप्राइजेस से, उस तरीके से किस तरीके से यह बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे कामती शहर व ग्रामीण भागों में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की अवैध लूट खसोट चालू है, इसी प्रकार से अवैध साहूकारी का जो धंधा कर रहे हैं बगैर लाइसेंस के, उसके खिलाफ हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को 31 तारीख को ज्ञापन दिए थे. उसके बाद फिर 3 तारीख को ज्ञापन दिए. तहसीलदार महोदय और पुलिस प्रशासन इस ज्वलंत विषय पे बेहद ही लापरवाहीपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे शिवसेना परिवार में और हमारी माता बहनों में बहुत ज़्यादा चिंता है. और उस चीज़ का चिंते का असर कभी भी विस्फोटक अंदाज में असर सामने आ सकता है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी तहसीलदार महोदय और दोनों थानेदार महोदय की हो. आने वाले समय में अभी भी जिस प्रकार से अवैध ब्याज वाले हमारी माँ बहनों को तंग कर रहे हैं, उनके घर में जाकर के तंग कर रहे हैं, और पुलिस अपना कर्तव्य कहीं तो भी पूरा नहीं कर रही है. ऐसा लग रहा है कि पुलिस का अवैध साहूकारों के साथ साठगांठ है. हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कुछ तो भी ठोस कार्रवाई त्याच्यानंतर त्यांना 30-40 हजार 50 हजार असे लोन दिले आणि लोन देण्यानंतर आठवड्याची रिकवरी त्यांच्याकडनं घेऊन गेले. आठवड्याची रिकवरी देता देताच त्यांनी कधी त्यांच्याकडे ते छोटे छोटे व्यवसाय करतात का, त्या स्वतःच्या पायावर उभे आहेत का असा त्यांनी कधीच त्यांची व्हेरिफिकेशन केलेलं नाही. त्यानंतर ते गट देत गेले तसतसे आमच्या लेडीज आमच्या महिला किस्त भरत गेल्या. पण काही काळ असा आला, काही वेळ असा आला की आता त्यांच्याकडे भरायला काहीच पैसे नाही. त्याच्यानंतर पैसे नसल्यामुळे मग ते सावकारांकडे गेले. सावकारांनीही त्यांचा फायदा असा उचललेला आहे की त्यांना माहीत आहे की इथं आठवड्याचे पैसे भरले जातात, तर सावकारांनी त्यांना आठवड्याचे 20%, 30%, 40% ह्या पर्सेंटवर पैसे दिलेले आहेत भरायसाठी. मग त्याच्यानंतर 8-8 दिवसामध्ये ते आपल्या व्याजाच्या पैशासाठी त्यांना टॉर्चर करतात महिलांना. त्यानंतर मग आले अण्णा. जे अण्णा लोक आहेत हे तेलुगू लोक आहेत. त्यांनी 5,000-10,000 कार्ड काढलेलं आहे. त्यानंतर ते रोजचे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये असे घेऊन जातात. तर आता माझं असं म्हणणं आहे की ह्या महिला पूर्ण त्रस्त झालेल्या आहेत आमच्या महिला. ते रोजचे पैसे भरतील की आठवड्याचे पैसे भरतील की मग मायक्रो फायनान्सचे हप्त्याचे किस्त भरतील. आता त्यांच्याकडे काहीच कमाईचं साधन राहिलेलं नाही आहे आणि पैसेही आता त्यांना कुठून मिळतही नाही आहे आणि पूर्णपणे आता ते दलदलमध्ये फसलेले आहेत. तर माझी तुम्हाला असं म्हणजे न्यूज चॅनलला असं हे आहे की थोडंसं हे तुम्ही वरपर्यंत मांडा, कारण आमची शिवसेनेची टीम पूर्ण काम करत आहे त्यांच्यासाठी. आमचे जे मेन लीडर शिवसेनेचे लीडर आहेत राजन सिंग सर, हे पूर्णपणे आम्हाला महिलांना सपोर्ट करत आहेत. आम्ही ज्या ज्या प्रॉब्लेम त्यांच्यासमोर घेऊन येत आहोत त्या प्रॉब्लेमला त्या समजून घेत आहेत सर आणि चांगल्याच्याने ते पुढं मांडत आहेत. तहसीलमध्ये आम्ही हा प्रस्ताव मांडलेला आहे, पोलिसांपर्यंत हा प्रस्ताव मांडलेला आहे. पण पोलिसांची टोनिंग भाषा ही चांगली नाही आहे. आम्हाला आम्ही तिथं पोलीस स्टेशनला गेलो की आम्हालाच हात धरून बाहेर काढतात आणि जे व्याजवाले असतात त्यांचे प्रॉब्लेम ऐकून घेतात. तर आता मग असे सरांनी जे बोलले की व्याजवाल्यांची साथगाठ आहे का, तर हे आम्हाला कुठंतरी खरं वाटते. कारण असं केलं तर आम्ही महिलांनी कोणाकडे जाऊ आणि कोणाला आमचं प्रॉब्लेम सांगावं आणि कुठून आम्ही सोल्युशन काढावं. म्हणून आम्हाला आमच्या लीडरवर पूर्ण विश्वास आहे राजन सिंग सरांवर की ते आम्हाला समोर घेऊन जातील आणि आमचे हे जे प्रॉब्लेम आहे ते पूर्णपणे सॉल्व्ह करून देतील. और एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते साथ में लेडीज आती हैं तो इनको बाहर भगा दिया जाता है, लेकिन जो अवैध व्याज का काम कर रहे हैं उनको थाने में बैठा करके VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. अब हमने कहां जाना, किसके दरवाजे जाना, आप बताइए हमको. आपने मेरे को फोन पे ये बोले कि आपने पत्र दे दिए, पत्र का क्या असर हुआ सर? कल मेरी महिला शहर प्रमुख है, इनके साथ में जितने पदाधिकारी थे कामटी जूना पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने इनको निकाल दिया. मतलब आपके दिए हुए पत्र का, आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, पुलिस मान क्यों नहीं रख रही है?
जैसे कि दर्शक आपने देखा कैसे महिला को अपमानित किया गया। इसी के साथ दिनांक 31 जून को शिवसेना की ओर से तहसील प्रशासन व पुलिस प्रशासन कामटी को लिखित रूप में निवेदन सौंपा था। इसके बाद 3 जून को तथा 5 जून को भी जूना कामटी पुलिस स्टेशन और नया कामटी पुलिस स्टेशन में भी दोबारा विज्ञापन भेजा गया। फिर भी तहसील प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन कामटी द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और तहसीलदार जी से बात करने पर यह कुछ जवाब। सर, 31 तारीख से मैंने आपको दे के रखा है, बिना लाइसेंस महिला को परेशान किया जा रहा है, इस बारे में अभी तक कोई भी हरकत नहीं की गई है, ऐसा इनका कहना है, इसके बारे में क्या मत है सर? नहीं, इसकी भी जांच चल रही है, मैंने अभी दोनों किया है, जो पुलिस स्टेशन नवीन कामटी और जूनी कामटी दोनों PI से बात किया है अभी, वो दोनों ने बताया कि जांच चालू है, जांच में उनको कुछ फाइंड आउट होगा तो उसमें गलत हुआ है तो 100% उस पर FIR लॉन्च करेंगे और उसके ऊपर एक्शन। सर, इवन महिलाओं को ये भी कहा गया है कि आप बिजनेस वूमन बनी है, किस्त लौट आइए, ऐसा भी जिस तरीके से जिस टॉपिक पर ये चल रहा है मोर्चा एंटरप्राइजेस फाइनेंस वाला जो टॉपिक चल रहा है महिलाओं पर, उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहा है कि आप बिजनेस वूमन बनिए, आप कोई भी रास्ता अपनाइए पर हमें हमारी किस्त दीजिए, इस बात तक भी कहा गया है। और साथ में पुलिस प्रशासन भी अभी तक इस बात को कोई भी कहा नहीं गया है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा उठा गया है। पुलिस प्रशासन ने भी अभी तक महिलाओं के सपोर्ट में भी ना कुछ कहा है और ना ही उनके खिलाफ कुछ कहा गया है, इस बारे में क्या कहना है सर? उनको आया था, हम काउंटिंग में थे, वो निवेदन लेके आए तो हमारे जो अवेलेबल स्टाफ है उन्होंने लिया था। 4 जून के बाद हम जब काउंटिंग का सब काम खत्म करके आए तो वो जिस दिन आए उस दिन ही पुलिस स्टेशन को हमने लेटर दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करो। मैं 2 दिन से उनके संपर्क में हूँ और उन्होंने बताया है कि वो जो मुझे जो निवेदन प्राप्त है उनको भी मिला है, उसके ऊपर जांच हो रही है, जांच होने के बाद वो जो निवेदन दिया वो सच निकला तो वो FIR कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला, वो उनकी जांच चालू है पुलिस स्टेशन। इसी के साथ अवैध साहूकार भी इसी प्रकार महिलाओं का जीना हराम किए जा रहे हैं, जिसके कारण से सैकड़ों महिलाएं वो उनका परिवार मजबूरी में आकर आत्महत्या की कगार पर है। कुछ इसी तरीके से एक परिवार के बेटा वह बहू अपना घर रात को खाली कर चले गए, कहां चले गए, किसे बताकर गए, नहीं गए, इसी बात को परेशान लेकर माँ की भी पुहार चलती रही इस बात पर। इसी के साथ पुलिस प्रशासन के नोकझोंक पर महिलाएं उत्तर दे रही है और जब पुलिस से प्रशासन द्वारा बात की जा रही है तो वह सुनिश्चित प्रमाण उत्तर दिए जा रहे हैं, जैसे कि महिलाओं को आश्वासन दिया जा रहा है और मोहलत मांगी जा रही है। नहीं, ये तो फिर आने का विषय छोड़ दीजिए आप, ये तहसील कार्यालय का है, ये 31 तारीख को आपको हमने पत्र प्रेषित किया, डेपुटेशन दिया है, 3 तारीख को दिए है ना, 31 तारीख का भी होगा सर आपके पास है ना, हमारे पास कम से कम एक पत्र तो आपने भेजना चाहिए, एक फोन तो करना चाहिए, इतना तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने भेजे ना 20% हफ्ते का ब्याज था उसका, तो वो मेरे घर आई, मैं बैठी थी, मैं उसको अच्छे से बता रही थी कि मुझे टाइम चाहिए, मैं आपका पैसा दे दूंगी, ब्याज नहीं दे सकती। उसने मेरे घर में इतना हुदम मचाया और खुदी मुझे मार छोड़ के मेरे पार्लर का सामान फेंक के मुझे गाली गलौज करके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो मुझे वहां से धक्के देके बाहर निकाला गया। मेरे साथ में मेरे पदाधिकारी थे, उनको भी बाहर निकाल दिया और उसको वहां पे VIP करके बिठा दिया और उसी की प्रॉब्लम सब पुलिस वाले सुन रहे थे, उनको बोल रहे थे, मेरे को बोल रहे थे अगर उसको वो ब्याज वाली है बोले तो तुमने कहा कि तुम्हारे पे गुनाह का अल्लाह को करूंगा बोले और वहाँ पे मुलानी साहब थे। थाने में ये बोला गया इनको कि उनके ऊपर तो होगा लेकिन तुम्हारे ऊपर पहले होगा, तुमने पैसे लिए तो उनके पास क्या लाइसेंस है, उनके पास क्या प्रूफ है, मतलब अवैध धंधा जो है पुलिस मिलजुल करके चला रही है क्या यहाँ पे साहब? और उनको VIP वहाँ पे बिठा के दिया और उनके ऊपर 7-8 लोग थे तो उनको वहाँ पे अच्छे से चेयर दे के बिठाया गया और मेरे जो लोग थे उनको सबको धक्का मार के बाहर। तो निवेदन स्वीकृत किया है जो के तपासी चौकशी अमलदार है वो दिल्ली को अर्जेंट तपास के लिए गए हैं तो वो कल परसों आ जाएंगे, तो इसमें जो मैटर ये मैटर में सबके विरुद्ध पार्टी और ये पार्टी दोनों के भी बयान लेके जो फैक्ट है वो कागज़ पे लेके उसका जो प्रपोजल है वो DCP साहब के पास भेजेंगे, तो वहाँ की फॉर्म क्या जाएंगे और तुरंत उसमें गुनाह दाखिल हो जाएगा। ये अलग टॉपिक हो गया सर, पर महिला के साथ बदतमीजी की गई है इस
टॉपिक पे आप क्या कहेंगे? हमारी महिला पदाधिकारी कल थाने में आई थी, ठीक है, मैंने ही बोला कि थाने में जाकर के वो करिए। आपका स्टाफ आया, स्टाफ आकर के उनके घर में उल्टा सीधा बोला, फिर जब ये चिल्लाई तो वहाँ से भगा, वो कैमरे में है, कैमरे में है वो। जब मैं थाने में आकर के पूछा कौन स्टाफ आया था, तो थाने से गायब हो गया, ठीक है। उसके बाद मुलानी साहब उनको क्या बोलते है, तुम ये मॉब ला करके क्या हमारे को प्रेशर बता रहे क्या? हम प्रेशर क्यों बताएंगे सर? आप ब्याज वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो अवैध साहूकारी चला रहा है, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए कामटी में ब्याज से बांटा है, हफ्ते के 20% ब्याज ले रहा है, आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हमारे पार्टी का पदाधिकारी जा रहा है तो आप उसको बोल रहे बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये क्या है सर, ये क्या है? आप कैमरे में जाके देखिए, अपने कैमरा है आपका, जाकर के देखिए है कि नहीं है। हो सकता मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को मजबूरी में वापस आकर के उनके साथ में बैठना पड़ा। ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे सर आप? कल की बात है क्या? कल की बात है, जेवा के तीचे पहले से रिपोर्ट, तीचे नाव दिला है एप्लीकेशन मधे, तीचे नाव पहले से नाव दिला है, महिला का नाम दिया हमने, वो महिला का हमने नाम दिए, वो बदमाशी इनके घर में आके बता रही, लड़के बुला, वो दो बच्ची को बुलाई अपने, छुट गई जरा, वो बच्ची पढ़ाई कर रही है, आईएएस की तैयारी कर रही है, ये ग्रेजुएशन कर रही है, इनको धमका करके घर में जा रहे हैं, और आपका स्टाफ आकर क्या बोल रहा है, इनका तो धंधा ही है। अरे धंधा है मतलब क्या है, ये 1,500 भाइया फंसी है सर कमटी में, 1,500 भाइया आत्महत्या की कगार पे हैं। मैं आप लोगों के दरवाजे पे इसलिए आ रहा हूँ कि कोई आत्महत्या महिला ना करे, आप उसकी जान बचाइए, इसलिए आ रहा हूँ। और थाने का स्टाफ अगर ऐसा बात करेगा एक महिला के साथ में, क्या न्याय मिलेगा सर हमको? एक बात, 25 और 20 दिन की मोहलत मिली है, अब देखते हैं ये मुद्दा और कितना उछलता है और कहां तक पहुंचता है। कैमरामैन उदय सर के साथ रांची की न्यूज़ एमएनएस न्यूज़ टीम। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस।